साथियों, पूरा देश चाहता है कि भारत महाशक्ति बने। दुनिया भारत का दम देखे, लेकिन भाइयों बहनों, लेकिन ये काम कोई कमजोर, ढीली ढाली, मजबूर सरकार कर सकती है क्या? ऐसे नहीं, जवाब भी तो तगड़ा चाहिए। कर सकती है क्या? भाइयों बहनों, जब सरकार मजबूर होती है, ढीली ढाली होती है, जोड़ तोड़ की होती है, तो फिर कभी 11 महीने में, कभी एक साल में, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में प्रधानमंत्री बदल जाता है, सरकार बदल जाती है, देश की गाड़ी चलती ही नहीं है। भाइयों बहनों, क्या आप ऐसी सरकार बनाना पसंद करेंगे क्या? तो भारत को ऐसी सरकार मजबूत बना सकती है क्या? भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मजबूत सरकार ये सपा बसपा वाले दे सकते हैं क्या? कोई संभावना है क्या? अरे वो उत्तर प्रदेश में अकेले सरकार चलाते थे, कभी मजबूती दिखाई दी थी क्या? ये मजबूत सरकार कांग्रेस और उसके जो महामिलावटी लोग हैं वो दे सकते हैं क्या? जवाब तो आखिर से भी आना चाहिए। दे सकते हैं क्या? साथियों, ये याद रखिए कि महामिलावटी दल देश भर में जितनी कम सीटों पर लड़ रहे हैं उनमें से ज्यादातर वो जमानत बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जीतने का तो सवाल ही नहीं है। आप, मैं जो बात कह रहा हूं आपको सच लगती है? मेरी बात सच लगती है? लगती है? आप जो लोगों में जाते हैं यही सुन के आते हैं ना? लोग एक तरफा मोदी मोदी वोट करने के लिए तैयार है कि नहीं है? जो आप बहराइच में देखते हैं, जो गोंडा में देखते हैं, जो सावत्स में देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही है जी। चार चरणों के चुनाव के बाद हालत तो ये है कि नेता विपक्ष का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रतिपक्ष का नेता बनने का भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2004 में तो मिला नहीं और इस बार तो जनता इतने गुस्से में है कि 2019 में भी उनको कुछ नसीब होने वाला नहीं है। 2014 में भी नहीं मिला, 2019 में भी जनता प्रतिपक्ष का नेता बनाने को तैयार नहीं है। जो लोग 50-55 सीट लेकर के विपक्ष का नेता बनने की स्थिति में नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दर्जी के पास कपड़े सिला रहे हैं, बताओ। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह खिचड़ी सरकार बन जाए,
कमजोर सरकार बन जाए और इनका प्रधानमंत्री बनने का सपना फिर तय करेंगे। 3 महीने तुम प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, 3 महीने वो प्रधानमंत्री, साल भर निकाल दो। आपको ऐसी बात मंजूर है क्या? ऐसे लोगों को वाकई देश की कोई चिंता है क्या? आपकी चिंता है क्या? आपके भविष्य की चिंता है क्या? आपके बच्चों के भविष्य की चिंता है क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इस देश को कौन मजबूत सरकार दे सकता है? वहां पीछे से आवाज आनी चाहिए, कौन मजबूत सरकार दे सकता है? साथियों, आपका ये आशीर्वाद, आपका प्यार, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। लेकिन ये भी तो सोचिए कि मोदी तभी मजबूत सरकार दे पाएगा जब बहराइच का, गोंडा का, श्रावस्ती का, केसरगंज का एक एक वोट कमल के निशान पर पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो मान लीजिए पहले से भी मजबूत सरकार बना के दूंगा।